टूट के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है कि प्रदेश में आदिवासी अत्याचार की एक और जघन्य घटना हुई है। आदिवासी युवक पर रेत माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाया जिससे उसकी मौत हो गई। तो आदिवासी अत्याचार की एक और जघन्य घटना, सवाल खड़े किए हैं वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, जिस तरह से रेत माफिया ने एक युवक की हत्या कर दी, खास एक आदिवासी युवक की, अब कमलनाथ ने उस पर लेकर पोस्ट किया है, यानी कि सियासी हमले अब तेज हो गए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही अपने आप में संवेदनशील ये मामला जो है वो सामने आया है। आए दिन मध्यप्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की जो घटनाएं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जहां जो आपराधिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं या फिर जो दबंग है वो कानून को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेते हैं और अगर किसी से कोई आपत्ति शिकायत होती है तो उसे सजा देने का काम खुद ही करने लगते हैं। सिंगरौली में भी इसी तरीके का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर एक दबंग ने आदिवासी युवक को कुचलकर मार डाला और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है। कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एक के बाद एक लगातार दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का इन पर कोई अंकुश नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो कहीं ना कहीं की जा रही है और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। आपके पास बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेश शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शेख, कमलनाथ ने पोस्ट किया है और कहा है कि जिस तरह से एक और जघन्य घटना हुई है आदिवासी अत्याचार की, लॉ एंड ऑर्डर है कहां प्रदेश में? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कुछ भी हुआ है और जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, यह निश्चित है। आप मध्य प्रदेश में कोई भी प्रकार का क्राइम किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय या किसी भी जाति के खिलाफ हुआ हो, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, किसी को भी इरिस्पेक्टिव वो कौन है, किस जात का है, कौन सी पार्टी का है, क्या उसका रसूख है, इन सब चीजों के बरक्स जाके हर किसी को पनिश किया है और अच्छी तरह से पनिश किया है, तो इस मामले में भी ये होना है। लेकिन कमलनाथ को तो बोलने का अधिकार ही नहीं बनता किसी चीज का। ये वही कमलनाथ है ना कि जिनके शासनकाल के समय एक आदिवासी के सर पर पेशाब हुआ था, 2018 का विषय है ये वो, और हमने आके उस पर कार्रवाई की थी। ये वही कमलनाथ है जब मुख्यमंत्री थे तो एक आदिवासी लड़की जिसके साथ गैंग रेप होता है वो 7 दिन तक भटकती रहती है और वो भी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, जो इनका खुद का गृह क्षेत्र था, वो FIR नहीं लिखी जाती है। तो ये तो बोलने का, तो ये तो केवल ट्विटर की चिड़िया उड़ाने के अलावा कुछ करते ही नहीं, मुंह चलाने के अलावा इन्होंने सरकार चलाना कभी नहीं सीखा था। इनकी 15 महीने की सरकार में केवल जुबान चली थी, कलम नहीं चली थी इनकी, न कोई सख्ती की गई थी। तो इस प्रकार की फिजूल की बातें करके राजनीति की रोटी सेकते हैं कमलनाथ। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि जिसने भी कोई पाप किया है उस पापी को सजा मिलेगी, इरिस्पेक्टिव वो कौन है, कहाँ का है, क्या है। जी धन्यवाद आपका डॉक्टर शेख बातचीत करने के लिए, और वासु आपका भी धन्यवाद बातचीत के लिए।